हेलो एस्पिरेंट्स, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। दोस्तों, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डेली के करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो बातें रहेंगी उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। गाइज, दिस इज अबाउट मी और ये स्लाइड थोड़ा सा कट गई है। ये सब मेरे बारे में है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है कुमार जतिन और मैं यूजीसी नेट मेरा क्लियर है। नेट परीक्षा मैंने पास की हुई है। इसके बाद आईबीपीएस, पीयू, एफसीआई, यूपीएससी, सीडीएस और इसरो में मेरा सिलेक्शन पहले हो चुका है। ये सब मेरी मेरे मेरे बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। गाइज, हम आगे चलते हैं। जो आज के करंट अफेयर है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो चीज़ है वो एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है, 11th रिपोर्ट है कॉमन रिव्यू मिशन की, नेशनल हेल्थ मिशन पर। देखो, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है गाइज। ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि जो आ, आ, हमारे यहाँ महिलाएं हैं, उन महिलाओं में जो बंधकरण की प्रक्रिया होती है वो ज्यादा पाई जाती है पुरुषों की तुलना में। तो इन्होंने एक डाटा दिया हुआ है, 93% उतने ज्यादा स्टरलाइज की जाती हैं महिलाएं। स्टरलाइज का मतलब जैसे जब बच्चों के जन्म के बाद जब माता पिता एक निश्चित बच्चों की संख्या के बाद जब बच्चे नहीं चाहते तो उसके बाद जो प्रक्रिया फीमेल्स अपनाती हैं उसको स्टरलाइजेशन कहा जाता है कि भाई इसके बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ होगा होता क्या है इसमें। देखो, जो एक मिशन चलाया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ से रिलेटेड है और आप सिंपल समझ सकते हैं कि भाई हेल्थ से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करता होगा और ये सब करता होगा। ठीक है, इस नेशनल हेल्थ मिशन की रिव्यू करता है कॉमन रिव्यू मिशन, CRM। ठीक है, इसका इसका रिव्यू किया जाता है CRM के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज, इस CRM ने इसका रिव्यू किया और नेशनल हेल्थ मिशन ने जो डाटा अपडेट कराया उस डाटा के रिव्यू के बाद 11th रिपोर्ट निकाली गई। ठीक है, तो भाई आप ये सोचेंगे भाई नेशनल हेल्थ मिशन डाटा कहां से लाएगा? तो नेशनल हेल्थ मिशन डाटा लाता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना डाटा अपडेट करता है। ये कहाँ से लाता है? इसको स्टेट जो होते हैं, विभिन्न राज्य अपना डाटा अपलोड करते हैं हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, उससे नेशनल हेल्थ मिशन डाटा लेता है और इस नेशनल हेल्थ मिशन के डाटा का रिव्यू करता है कॉमन रिव्यू मिशन। ओके, तो इस कॉमन रिव्यू मिशन ने एट लास्ट अपनी रिपोर्ट दी। कॉमन रिव्यू मिशन एक एक्सटर्नल इवोल्यूशन है NHM का, नेशनल हेल्थ मिशन का मूल्यांकन करता है कॉमन रिव्यू मिशन। ये कहता है कि जो महिलाएं हैं उनको 98% पहले स्टरलाइज किया जाता था लेकिन अभी उसकी संख्या घटी है, 93% घटी है, 93% तक आई है। मतलब पहले ज्यादातर महिलाएं ही स्टरलाइज की जाती थी लेकिन अब उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, 93% बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं जो मेल है उनमें स्टरलाइज होता है, उसको वेसेक्टोमी कहते हैं, एक टर्म है वेसेक्टोमी, ये रिमेम्बर करना, आप बिल्कुल याद रखना इसको कि वेसेक्टोमी एक टर्म है जिसको मेल स्टरलाइज कहते हैं। दूसरी एक टर्म है ट्यूबेक्टोमी, इसमें फीमेल स्टरलाइजेशन जो होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। मेल स्टरलाइजिंग की संख्या है 6.8%, टोटल स्टरलाइजेशन जितने होते हैं उनमें 6.8% मेल स्टरलाइज होते हैं। तो भाई आप ये सोच रहे हैं कि इतना कम परसेंटेज क्यों? आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि आपकी आपके आपकी फैमिली में हुआ, आपके समाज में हुआ, जो भी स्टरलाइजेशन होता है वो फीमेल ही ज्यादातर कराती है और मेल नहीं कराते। इसके रीजंस क्या क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखो, एक तो हिस्ट्री कि भाई पहले से हम कराते ही नहीं है, मेल्स जो है वो पहले से स्टरलाइजेशन कराते ही नहीं है, तो हिस्ट्री इसके पीछे बनी हुई है। दूसरी बात, सोशल टैबू, समाज में एक ऐसी ऐसी प्रथा बनी हुई है कि भाई जो फीमेल है वो ही स्टरलाइज कराएगी और मेल जो है वो स्टरलाइजेशन नहीं कराएंगे। इसकी लॉजिस्टिकल लिमिटेशंस भी होती है कुछ। दूसरी बात, इमरजेंसी के टाइम में जो फोर्स्ड स्टरलाइजेशन हुआ था उसमें लोगों के मन में ये भ्रांति पैदा हो गई कि भाई स्टरलाइजेशन जो है वो खतरनाक है और पुरुषों को स्टरलाइजेशन नहीं कराना चाहिए, एक बैड नेम आया है, मतलब लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न हो गई कि ये गलत है। और इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन ये होती है कि ये फैलाई जा रही है, फैलाई गई है कि भाई अगर स्टरलाइजेशन करा लिया तो मनुष्य अपनी शक्ति खो देगा।
जो उसकी पावर है, जो काम करने की शक्ति, वो खो देगा। जबकि स्टरलाइजेशन से ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, जो फीमेल है वो स्टरलाइजेशन अगर उसका हो रहा है तो वो कोई शक्ति थोड़ी ना खो रही है अपनी। दूसरी बात, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, तो इस सोसाइटी में जो आशा वर्कर होती है, आंगनबाड़ी में जो काम करती है, वो डायरेक्टली मेल से बात नहीं कर सकती कि भाई आप अपना स्टरलाइजेशन करा लो। तो ये जो कुछ रीजन है जिसके कारण मेल का स्टरलाइजेशन कम है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये डाटा आपको मेंस में काम आएगा, यूपीएससी के मेंस हो या फिर पूछ सकते हैं कहीं पे भी। ये जो टर्म है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, ये भी पूछी जाएंगी, पूछी जा सकती है। बायोलॉजी के जो आप में स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम, इसमें कुछ संशोधन हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम LRS क्या है? एक फैसिलिटी है जो कि RBI अपने रेजिडेंट को प्रोवाइड कराता है। अब रेजिडेंट क्या होता है? एक सिटीजन होता है, एक रेजिडेंट होता है। सिटीजन का मतलब आप, हम, सिटीजन जो रहते हैं, आपने सिटीजनशिप पढ़ी होगी आर्टिकल्स में, आपने पॉलिटी पढ़ी है तो सिटीजनशिप आपने पढ़ी होगी कि जन्म से मिलती है, जिसके माता पिता भारतीय उनको सिटीजनशिप मिलती है, वो सब होता है, ठीक है। तो रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो भाई बाहर के भी हो सकते हैं और यहाँ आकर रहने लग गए, ठीक है, दे आर रेजिडेंट। और सिटीजन कौन होते हैं? जो यहाँ पर परमानेंटली रह रहे हैं, जिनका निवास स्थान है और जिनके पास रेजिडेंसी इंडिया की है, अंडरस्टूड। तो ये एक फैसिलिटी है LRS RBI ने प्रोवाइड किया कि भाई जो इसमें माइनर भी इंक्लूडेड हैं, तो जो लोग भाई यहाँ पर रह रहे हैं वो अपना एक सर्टन अमाउंट अपने पेरेंट्स को या फिर अन्य जो देश में लोग रह रहे हैं उनको ट्रांसफर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये जो स्कीम कहलाती है लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम कहलाती है, ठीक है। ये स्कीम आई थी फरवरी 2004 में, इसको एक्शन में लाया गया था, ठीक है। दूसरी चीज है, रेगुलेशंस आर प्रोवाइडेड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999। तो इसका जो रेगुलेशन किया था FEMA के अंतर्गत ही किया जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है सर, आप इंडिया में रहकर अदर कंट्रीज को अपना जो पैसा है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, इसके कारण इसका जो रेगुलेशन किया जाएगा वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा किया जाएगा। पहले इसकी जो लिमिट थी वो $25,000 थी, अब जो है इसकी लिमिट है वो बढ़ाकर कर दी गई $2,50,000, जिसको मैं तकरीबन मान सकता हूँ 1.5 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर, एक साल में आप इतना भेज सकते हैं। रेमिटांस जो होंगे, वो जो आप जो पैसा भेज रहे हैं वो किस लिए भेजा जाए, आप ऐसे ही नहीं भाई कि भाई टेररिज्म के लिए भेज दिया या फिर कोई अदर इलीगल एक्टिविटीज के लिए भेज दिया, वो सब नहीं कर सकते। आप एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं, आप ट्रेवल के लिए, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, भाई वहां पर आपके साथी रह रहे हैं, आपके स्पाउस रह रहे हैं, आपके पेरेंट रह रहे हैं, वो सब रह रहे हैं तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, पैसा भेजना है तो वो सब आप कर सकते हैं, मेंटेनेंस कराना है ये सब, ठीक है। और ये जो रेमिटेंस रेमिटेड मनी है वो उसको यूज किया जाता है, भाई आपको शेयर प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है और फॉरेन करेंसी अकाउंट है, वो सब आपको मेंटेन करना है, इस सब के लिए आपको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है, आप इस पैसे का यूज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि भाई ये पैसा अब सिंपल भाषा में कहूँ तो 2 नंबर का हो, तो आप उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में घटाएंगे बढ़ाएंगे जो भी कुछ करेंगे तो वहां पर आप यूज नहीं कर सकते। आप फॉरेन करेंसी को आप परचेज करने के लिए नहीं कर सकते, आप कन्वर्टेबल बॉन्ड और जो इंडियन कंपनीज हैं जो अब्रॉड में हमारी जो कंपनीज हैं वो कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू करती हैं, वो सब जो करती है तो वो आप नहीं कर सकते वहाँ पे, वो आप कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं खरीद सकते ETC NTC, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिविजुअल्स जो होंगे वो कुछ देशों को भी अपना पैसा नहीं भेज सकते, कुछ देशों में नहीं भेज सकते। जैसे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो उसने कुछ देशों को नॉन कोऑपरेटिव जुरिसडिक्शन में डाला है, वो हमने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम केवल इतना समझ लेते हैं कि जो सहयोग नहीं करते आपस में, जो टेरर को बढ़ावा देते हैं ऐसे देशों की ओर आप अपना पैसा नहीं भेज सकते, ठीक है, इतना सा याद रख लीजिए। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में आप इतना जान लीजिए कि ये स्कीम आप इंडिया में जो रेजिडेंट रह रहे हैं उनको अपने अलग कंट्रीज में दूसरे देशों में पैसा भेजने की एक स्कीम है, ओके। अगला जो करंट अफेयर है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इम्पोर्टेंट है। अभी 2017 में जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा, NTA का गठन किया जाएगा।
काम क्या करेगा, आप सिंपल समझ सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या होगा इसका। ये पेपर सेटर्स जो होंगे, हमारे जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, कौन से एग्जाम, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से एग्जाम इसके अंतर्गत आने वाले हैं। जो टेस्ट एग्जाम हमारे कंडक्ट किए जाते हैं, उनके जो पेपर सेटर होते हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो बेटर पेपर सेट कर सकें, अच्छा पेपर सेट कर सकें, और मतलब उसमें विविधता हो पेपर में। ये नहीं कि भाई पूरा पेपर जो है वो हमने कह दिया कि भाई पूरा पेपर ही हार्ड कर दिया, पूरा पेपर ही बिल्कुल सिंपल सेट कर दिया, वो सब नहीं चलेगा। आपने आप इस तरह से ट्रेन किए जाएंगे कि आप एक बेटर क्वेश्चन पेपर आप पूरी तरह से सामंजस्य बैठाते हुए पेपर सेटअप करेंगे पूरा, ठीक है। और इसके लिए बेटर मॉडल आंसर आप बना सकें कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, मॉडल आंसर, क्योंकि किसी भी चीज आप सब्जेक्टिव पेपर आप दे रहे हैं तो उसका कोई एक सटीक आंसर नहीं हो सकता, आप मॉडल आंसर बनाएंगे कि भाई इसके आसपास कुछ लिखा है तो दैट इज फेयर। ये जो NTA होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2019 में CBSE द्वारा जो एग्जाम किए जाते हैं एक्सेप्ट 10th और 12th बोर्ड एग्जाम, वो सब अपने अंडर में ले लेगा और NTA वहां उसको कंडक्ट कराया करेगा। जैसे JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो सब एग्जाम जो होंगे वो NTA कराया करेगा, अभी जो CBSE कराता है। एक ये जो NTA है, ये एक ऑटोनोमस सेल्फ सस्टेन्ड बॉडी होगी, ठीक है, और इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी एक्ट, इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। ये आप याद रखने की चीज है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सेल्फ सस्टेन्ड होगी और टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपको बता दिया मैंने, एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक पेपर कंडक्ट कराएगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और हाई रिलायबिलिटी और स्टैंडर्डाइज्ड डिफिकल्टी लेवल फॉर असेसिंग एप्टीट्यूड। क्योंकि आप पेपर सेट करेंगे तो आप मतलब एक तो भाई आपके आपके अंदर का स्टैंडर्ड होना चाहिए उस पेपर का, कि जो स्टैंडर्ड आप मतलब आप JEE के लिए पेपर दे रहे हैं, हमने सिंपल सा पेपर सेटअप कर दिया तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, आप एक स्टैंडर्ड पेपर सेट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है तो आपने आप समझ गए ना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या काम आएगी और ये कहाँ से आई है, ठीक है। इसका कंपोजिशन हम समझ लेते हैं। इसको चेयर किया जाएगा एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, जिसे अपॉइंट किया जाएगा HRD मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। इसके एक चेयरमैन होंगे, दूसरा इसके CEO होंगे जो कि डायरेक्टर जनरल होंगे, जिसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, और इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे जो कि मेंबर होंगे यूजर इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर कंप्राइजिंग मेंबर फ्रॉम यूजर इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो जितने भी इसकी इंस्टीट्यूशंस होंगी उनसे मेंबर्स इसमें होंगे, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा जिनमें मेंबर होंगे जो कि इंस्टीट्यूशंस चलाए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी ये कंपोजिशन होगी, आपको बस ये याद रखना है कि NTA काम क्या करता है और इसे इसे किस लिए लाया गया है, और ये है कैसी बॉडी, ऑटोनोमस है, सेल्फ सस्टेन बॉडी है, और इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा, ठीक है। तो गाइस आज के डिस्कशन में इतना ही, अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज आपके पास नोटिफिकेशन उनका आ सके। और दोस्तों अगर किसी टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।